हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपिका। जैस फैमिली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए लौकी की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये ली है मैंने एक लौकी। तो देखिए दोस्तों, लौकी तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है और हेल्दी भी होती है। तो लौकी हमें अपनी सब्जियों में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए अब हम इस लौकी को छील लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम पीलर की हेल्प से लौकी को छील लेते हैं। तो फटाफट से हम लौकी को छील लेते हैं और मिलते हैं हम लौकी छीलने के बाद। तो ये देखिए, लौकी को हमने छील लिया है। अब हम इसे काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसके ऊपर और नीचे का हिस्सा, जो डंठल वाला रहता है, उसे निकाल देंगे। और इस तरह से दो टुकड़े करके हम लौकी को बड़े बड़े क्यूब्स में काटेंगे, क्योंकि आज हम लौकी को कुछ अलग तरीके से बनाने वाले हैं। तो हम लौकी को छोटे या बारीक टुकड़े नहीं करेंगे, हम लौकी को क्यूब्स में काट करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इतने बड़े बड़े टुकड़ों में लौकी को काट करके लिया हुआ है। तो जल्दी से हम लौकी को काट लेते हैं। और ये देखिए, लौकी हमने काट ली है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि लौकी हमारी कड़वी तो नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी लौकी जो है कड़वी नहीं है। तो हम चलते हैं। ये देखिए, मैंने 8-10 ली हुई हैं पेठे वाले कद्दू की बड़ी। तो उसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फटाफट से अलटते पलटते हुए हम बड़ियों को फ्राई कर लेंगे, ताकि ये हमारी जो बड़ी हैं वो जले नहीं। देखिए, इस तरह से लाल हो जाएंगी बड़ियां, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। कलर चेंज हो जाएगा बड़ियों का। तो अब हम बड़ियों को निकाल लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब जो हमारा तेल गरम है, तो हम उसमें डालते हैं थोड़ा सा हींग। और अब हम डालेंगे इसमें कुछ सरसों के दाने, और डालेंगे थोड़ा सा इधर जीरा, और इधर मैंने लिए हैं कुछ मेथी के दाने। और अच्छी तरह से भून लेंगे। और उसके बाद हम ऐड कर देंगे इधर जो हमने लौकी कट करके ली हुई है। तो हमने लौकी को अच्छी तरह से धो लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हमें लौकी को ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट भूनेंगे हम।
तो ये देखिए अब हम इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारी लौकी है वो पानी भी छोड़ दे और अच्छे से थोड़ी गल जाए। तो नमक डाल देते हैं और इसके बाद हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारी जो लौकी है थोड़ी गल गई है, पूरी तरह से तो नहीं गली, बस हमने 2-3 मिनट ही गलाया है इसको। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तो मैंने इधर 2 टमाटर लिए हुए हैं, इन्हें डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो टमाटर को भी हम 2 से 3 मिनट ही भूनेंगे। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो भी थोड़ी गल गए हैं। तो ये देखिए लौकी से पानी निकलना चालू हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच धनिया हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और डाल देंगे इधर काश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों इधर मैंने नमक डाल दिया है, लेकिन हमें याद रखना है कि हमने लौकी को गलाने के लिए भी नमक का यूज किया था, तो हमने पहले भी नमक डाला हुआ है, इसलिए हम नमक को ध्यान में रख कर के डालेंगे ताकि हमारा जो नमक है वो सब्जी में ज़्यादा ना हो जाए। अब हम इसमें बढ़िया डाल देते हैं, अच्छी तरह से इन्हें 2 से 3 मिनट भूनेंगे। इस तरह से लौकी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लौकी बन करके तैयार होती है, और बढ़िया जो डलती हैं उसका तो एक अलग ही फ्लेवर आता है सब्जी में। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें लौकी तो पानी छोड़ती है, लेकिन वो जो घर की जो देसी लौकी होती है उसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये छोटी और थोड़ी शहर में रूखी लौकी आती है, उस वजह से इधर पे मैंने 1/2 कप पानी यूज किया है, और हमें बड़ियों को भी पकाना है इसी वजह से। तो हम 1/2 कप पानी डाल करके अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके इसे पकने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों इधर पे जब सीटी की आवाज़ आने लग जाएगी सरसराने की, तो हम गैस को लो फ्लेम पे करके 5 मिनट के लिए रखेंगे, और फिर तेज़ गैस करके 1 सीटी लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो सीटी है वो आ चुकी है, और हमारी जो सब्जी है चेक कर लेते हैं हम उसे। तो ये देखिए बढ़िया से हमारी जो लौकी की सब्जी है वो पक गई है, और हमारी जो बढ़िया है वो भी पक चुकी हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो लौकी की सब्जी है वो बन करके तैयार है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अदौरी या पेठे पेठे वाले जो कद्दू होता है उसकी बड़ी वाली एक लौकी इस तरीके से बना करके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो सर्दियों के मौसम में तो हमें पेठे वाले कद्दू की बड़ी खाना चाहिए, उसका तासीर थोड़ा गर्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।